अगर आपको मेरी इडली की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बनाएंगे तड़के वाली सूजी की इडली, जिसके लिए मैंने ये एक कटोरी सूजी ली है। सूजी आप कोई भी ले सकते हो, बारीक या मोटी। ये मेरे पास छाछ है, बटर मिल्क, आप इसी जगह दही भी ले सकते हो। उसको इसमें डाल के मिला देती हूँ। अगर आपके पास दही हो तो आप इसी जगह दही भी ले सकते हो। मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, हमें इसको बिल्कुल पतला बैटर नहीं बनाना है। मैंने इसके अंदर पौने गिलास छाछ का यूज़ किया है। ये देखिए हमारे इसके अंदर एक गिलास से भी कम छाछ का यूज़ हुआ है। बैटर को ढक के रख देती हूँ करीब 30 से 40 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा बैटर अच्छे से फूल के सेट हो जाएगा। तड़के के लिए मैंने लिए एक चम्मच उड़द दाल, एक चम्मच चना दाल, ये थोड़ी सी हींग लिए। हमारा बैटर तैयार होता है तब तक हम तड़का बना के तैयार कर देते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने ये तड़का पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको गर्म होने रख देती हूँ, गैस को ऑन कर देते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी राई। राई को मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, मैंने एक चम्मच राई ली है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच उड़द की दाल, एक चम्मच चने की दाल। हम गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे, हमें इनको बिल्कुल स्लो गैस से भूनना है। गैस को बंद करने के बाद हम इसके अंदर हींग डाल देते हैं। कलर हल्का सा चेंज हो गया है, बस हमें इनको इतना ही रोस्ट करना है। गैस को बंद कर देती हूँ मैं। लास्ट में हम डालेंगे हींग और हम इसे ठंडा होने देते हैं। यह हमारा तड़का ठंडा हो गया है। अब मैं एक बार इडली के बैटर को देख लेती हूँ। ये देखिए हमारी सूजी काफ़ी अच्छे से फूल गई है, ये काफ़ी थिक है, हमें इसको थोड़ा पतला करना होगा। मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाल लेती हूँ। हमें इसके अंदर पानी इकट्ठा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। इकट्ठा डालोगे तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाला है, हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इस तरह से इसलिए इसको फेंट रही हूँ जिससे कि हमारी इडली अच्छी स्मूद और फूली फूली बने। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके अंदर हमारा ये तड़का डाल लेती हूँ, इसको मिला दें। तड़का डालने के बाद हमारी इडली का बैटर काफ़ी कलरफुल हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये आधा चम्मच नमक। नमक को मैं इसमें घोल बनाते टाइम डाल देना चाहिए था, पर मैं भूल गई थी। इसे मिला दें। सोडा डालने से पहले ये मैंने इडली का जो बोर्ड है इस पर मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया पहले से ही। अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच मीठा सोडा डाल देती हूँ, जो हम घर में बाटी वगैरह में यूज़ करते हैं वही सोडा है। आप चाहें तो इसमें इनो भी डाल सकते हो। इसको मिला दें एक बार अच्छे से। फटाफट से इडली के साँचे के अंदर डाल दूँगी। अब मैं इस बैटर को बोर्ड के अंदर डाल देती हूँ। हमें इन साँचे को फूल नहीं करना है, क्योंकि हमारी इडली काफ़ी फूलती हैं तो ये आपस में चिपक जाती हैं। मैंने दोनों बोर्ड के अंदर बैटर डाल लिया है। मैंने दोनों के अंदर पहले से ही ऑयल ग्रीस करके रखा हुआ था। अब मैंने इडली स्टैंड में सेट कर देते हैं। ये मैंने कढ़ाई में पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए रखा था। हमारा पानी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये इडली बोर्ड को रख देती हूँ। हमें इनको 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम गैस पर ढक के पकाना, जिससे कि हमारी इडली अच्छे से फूल जाए। गैस को हमें मीडियम में रखना है। 10 मिनट हो गई है, एक बार हमारी इडली को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी इडली कितनी अच्छे से फूल गई है सारी। मैं इसे एक चक्कू से चेक कर लेती हूँ। अभी हमारे चक्कू के अंदर थोड़ी इडली चिपकी हुई आ रही है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं गैस पे। ये 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देती हूँ, फिर से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारी इडली बन के तैयार है बिल्कुल। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये हमारी इडली ठंडी हो गई है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूली है। मैं इनको निकाल लेती हूँ। आप इन्हें चक्कू की सहायता से इस तरह से निकाल लें। देखिए कितनी आसानी से निकल जाती हैं। हमें सारी इडलियों को इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए हमारी इडली काफ़ी स्पंजी बनी है नीचे से, बिल्कुल जालीदार। मैं सारी इडलियों को निकाल के फटाफट से एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ।
ये देखिए हमारी सारी इडली बड़ी आसानी से निकल गई हैं। मैंने सारी इडलियों को निकाल के इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। आप देख सकते हैं हमारी इडली है काफ़ी स्मूथ और स्पंजी बनी है नीचे से। ये देखिए कितने अच्छे से इनमें जाली आई है। मैंने इन इडलियों को सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लिया है। मैं आपको इसमें से एक इडली तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी इडली कितनी अच्छे से स्मूथ बनी है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे से जाली आई है। आप इन इडलियों को अगर ऐसे भी खाओगे तो ये इडली ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने इन्हें सांभर और नारियल चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है इंस्टेंट इडली की, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।